वृंदावन धाम है ये भूमंडल में नहीं है, है ना। अब संसार के लोगों को तो वैसा ही दिखेगा, लेकिन पुराणों में ऐसा कहा गया, ब्रज के संत लोग रसिक लोग कहते हैं। हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि इस भूमंडल में रवि पर फणि पर नहीं आकाशम। ये वृंदावन की स्थिति कहाँ है, बोले रवि पर सूर्य पर है नहीं, फणि पर, फणि माने शेष जी के मस्तक पर ब्रह्मांड है वहां है, नहीं आकाश, आकाश में नहीं। ये दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम सदा भक्तों के लिए भगवान प्रकट करते हैं। अभक्त जाते हैं तो भगवान वो वृंदावन छुपा लेते हैं, बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। अभक्त जाते हैं तो क्या दिखता है वृंदावन में, कचौड़ी दिखेगी, पकौड़ी दिखेगी, है ना, लस्सी दिखेगी, ये जरूर दिखेगा। भगवान तो दिखे ना दिखे, लेकिन जब भक्त हृदय से हम वृंदावन जाते हैं, हृदय में भगवान को पाने की कामना से जब जाते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, श्रीधाम जिसकी महिमा बड़े बड़े पुराणों में गाई गई, जिसकी महिमा संत लोग रसिक लोग गा रहे हैं, जिस वृंदावन में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, जिस वृंदावन में जन्म पाने के लिए उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य हो रहा है कि उस वृंदावन में हमको जाने का सौभाग्य है, ये भावना लेकर के जब जाते हैं तो दिव्य वृंदावन धाम भगवान भक्त के लिए प्रकट भी कर देते हैं। और फिर उस चिन्मय वृंदावन धाम में, उस दिव्य वृंदावन धाम में उसे भगवान का दर्शन भी हो जाता है।